हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पापा जी टीक न्यू मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए रेडमी नोट टेन टी फाइव जी फोन में बढ़िया ट्रिक वीडियो लेके आए दोस्तों सिंपली दोस्तों जब आप यह डिवाइस यूज़ करते हैं दोस्तों और इस डिवाइस में आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना रहता है तो वह कैसे करेंगे दोस्तों सिंपली दोस्तों हम जैसे कि अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे दोस्तों सिंपली दोस्तों जब हम इस फोन में कॉल लगाते हैं तो उस समय रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन शो होता है लेकिन जब भी हम उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस कॉल की तो हमें वो जब रिकॉर्ड पर हम टैप करते हैं तो वह हमें साउंड अगले पर्सन को सुनाई आ जाता है सिंपली जैसे हम टैप करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको एक साउंड आएगा जिससे कि हमें जिससे भी हम जिस फ़ोन से भी हम जिसकी भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को वह सुनाई जाता है कि यह हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है दोस्तों तो सिंपली दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करेंगे तो सिंपली दोस्तों वीडियो भी बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर सिंपली दोस्तों सेटिंग ओपन कर लेंगे जैसे कि दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद हम फर्स्ट ऑल क्या करते हैं हमने आज तक देखा है कि हम जाते हैं सीधे कॉल सेटिंग में सिंपली यहाँ आपको एप्स वाला ऑप्शन शो हो होगा एप्स वाला ऑप्शन आपको जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा मैनेज एप्स एंड सेटिंग सिंपली इसको टैप करते हैं कॉल सेटिंग में जाते हैं कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन शो नहीं होता तो सिंपली हम यह सोचते हैं कि दोस्तों कि हमारे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर सिस्टम है ही नहीं तो सिंपली हमको क्या करना है दोस्तों जो आपका ये सर्च बार है सर्च बार पर सर्च करना है कॉल रिकॉर्डिंग सिंपली यहाँ पे हम कॉल रिकॉर्डिंग सर्च करेंगे जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग सर्च कर लिया कॉल रिकॉर्डिंग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन शो हो रहा होगा कॉल रिकॉर्डिंग वाला तो सिंपली इसको आपको टैप कर देना है टैप करने के बाद जैसे कि दोस्तों डायरेक्ट हम कॉल रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं तो सिंपली आपको यूज़ कॉल रिकॉर्डिंग सिंपली इसको ऑन कर देना है दोस्तों जैसे कि ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा आपको टैप करके यहाँ ओके कर देना है ओके करने के बाद यहाँ टाइम लेता है जैसे कि यहाँ मुझे टाइम ले रहा है सिंपली इसके बाद इसे ओके कर देना है दोस्तों ओके करने के बाद आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और सेकेंड स्टेप है दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग शॉर्टकट तो सिंपली दोस्तों यह क्या है कि जैसे कि दोस्तों आप अपने फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं तो इसे भी आप ऑन कर सकते हैं लेकिन सिंपली दोस्तों यूज़ कॉल रिकॉर्डिंग में आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी